जनगण मन नमः। दोस्त, एक बाप बेटे को कह रहा है स्कूल से लौटने के बाद, ये तो क्या क्या बेटा, पेन चुरा के ले आया स्कूल से, ये तो कैसे किया, मेरा बेटा होके तो चोरी किया, ऐसा कैसे कर सकते तू? तू बोलते कितना पेन चाहिए तुझे, मैं ऑफिस से ले देता, तो चोरी क्यों किया? दोस्त, हम जाने अनजाने में ऐसा ही मैसेज देते हैं हमारे बच्चों को, जो हम आप नहीं करते, अपने आप नहीं करते, वो करने कहे तो हमारे बच्चों को तुम ऐसा करो, तो मैसेज क्या जाएगा बच्चों को, वो कभी ऐसा करेगा? दोस्त, बच्चा पैदा करना कोई काम का बात नहीं, वो तो हर प्राणी करता है, बट उसको सही रास्ता दिखाना, उसको अंदर संस्कार को जगाना, ये काम थोड़ा कठिनाई जरूर है, बट आप कर सके तो आप एक महान पिता कहलाए जाएंगे, एक आदर्श बन जाएंगे। आज दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है, बहुत कम है, बहुत कम आदर्श हम हमारा बच्चों को सामने रख सकते हैं। दोस्त, एक एक दिन देखो, एक एक वक्त देखो, हमको फॉलो करता है वो फॉलो करता है, हम क्या कर रहा है, हम जो कर रहा है वो वही करेंगे। हाँ, ऐसा ही है, ये नीति है दुनिया का, ये फॉर्मूला न्यूटन का थर्ड लॉ जैसा ही है, इसका कोई एक्सेप्शनल नहीं होता। दोस्त, हर वक्त जब कुछ बुराई करना सोचो, चुप बुराई बोलना सोचो, आपको बच्चों को बड़ा में क्या असर पड़ेगा, इसका दिमाग में वो सेव कर लेंगे। बुराई ज्यादा सेव होता है अच्छा से। तो दोस्त, अब जब घर में आपके पत्नी के साथ भी लड़ाई झगड़ा करते हो, वो भी उसका दिमाग में जाता है, अब जब आपके पिता माता के साथ दुर्व्यवहार करते हो, उसके दिमाग में वो भी बैठ जाता है, बड़ा होके वो भी ले लेना इस पॉइंट को, आप जो भी करना उसके सामने सोच के करना, और कोई बहुत अफवाह है तो चेंज कर लो, एक ऐसा भविष्य करना आपके बच्चों को जो एक आदर्श हो सके, जो जिससे आप गर्व फील कर सके, नहीं तो आप एक सिर्फ जन्मदाता बाप ही रह जाएंगे, संस्कार आप दे नहीं सकेंगे, और ये आपका इस जीवन का सबसे बड़ा परिहास होगा। जनगण मन।